से क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो नमस्ते जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों पॉलिटिक्स एक बेहद मजेदार चीज है। यहाँ कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ, कुछ नहीं पता। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन, कुछ नहीं पता। कौन आपके लिए वोट देगा, कौन आपके वोट काटेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार है न्यूज डिबेट्स देखना और स्पेशली गाली वाली बाई की डिबेट्स देखना। कहने वाले तो इसे कांग्रेस की नंबर एक चमची भी कहा करते हैं, क्योंकि ये अपने आका को, अपने मालिक को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। ऐसे ही हमारी आज की इस डिबेट में भी ये बंदी ये साबित करने की कोशिशों में लगी रहेगी, राहुल गांधी ने भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी है। जी हाँ, वो राहुल गांधी जो अपनी पैतृक सीट तक नहीं बचा पा रहा, राजमाता की सीट रायबरेली नहीं बचा पा रहा, उस इंसान ने भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी है। उस भाजपा की जो अब की बार 400 पार का आंकड़ा लेकर बैठी हुई है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में अभी 70-80 दिन का ही टाइम बचा होगा, पर ये चमचे अभी भी वही लॉजिक दे रहे हैं जो कभी ये 2012, 2013, 2014 में दिया करते थे। क्या कुछ आज की डिबेट में, चलिए देखते हैं। सुप्रिया जी, एक स्थिति तो ऐसा पैदा हो गई ना, मतलब शायद ही बहुत कम उदाहरण है देश में जहां पर जिस पार्टी का शासन हो राज्य में वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथा कथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, तब शायद आंकड़ा चाहिए था, वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई। लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए, अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी, अब ये आपके तीर का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया, वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया, हम तब तक मान जाते। लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यदि कर्नाटक में 2 विधायक विपक्ष के कांग्रेस को समर्थन कर दें तो अंतरात्मा की आवाज होती है, और हिमाचल में 6 विधायक कांग्रेस के दूसरी तरफ चले जाएं तो ये जोड़ तोड़ की आवाज होती है। तो और आप समझिए, 3-3 पर्यवेक्षक हिमाचल जैसे छोटे राज्य, मतलब विधायक गए 6, पर्यवेक्षक आए 3, और 3 में कौन, 2-2 पूर्व डिप्टी सीएम भूपेश बघेल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, और एक इनके सबसे जो सक्षम माने जाते हैं जोड़ तोड़ में डिप्टी सीएम। और अगर आप ओवरऑल पूरे भारत में देख लें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूं, जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली है, मतलब कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है, एक चरण पूरा होता है और दूसरे चरण में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। यूपी में कहां क्या लेना देना, जहां आपने 8 निकाल लिए जबकि आपके पास 7। आप देखिए, वो यूपी में प्रवेश किए और आरएलडी अलग हो गई। अब सुनिए, जिस दिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। देखिए, वो गुवाहाटी से शुरू किए तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए, वो बंगाल में पहुंचे दीदी ने मुंह मोड़ लिया, वो झारखंड पहुंचे सीएम बदल गया, अगर वो बिहार पहुंचे तो जो उनके सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही उनको मझधार में छोड़ दिया, वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो आरएलडी अलग हो गया। सपा से औपचारिक गठबंधन की घोषणा का जश्न ये नहीं मना पाए थे कि समाजवादी पार्टी के ही 7 विधायक टूट गए। दिक्कत की बात क्या है, दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणबंधक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे 6 ठो,
उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, चार बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है, हम दिल्ली में बैठकर तीन बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर तीन बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पर जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर्फ टहुअल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी मक्खियां यहाँ पे खुल जाएगी। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि मैनेज हो गया उन लोगों का। देखिए सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीद जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीद कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीद हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीद हो रही है, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थाई कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, शब्द के अनुसार कह रहा हूं, मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीद तो कोई अपनी पार्टी के नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है उत्तर से दक्षिण तक। हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं, फैक्ट यह है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत तो भाई यही है कि 2024 में भी आएगा तो मोदी ही। जमीनी हकीकत यही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस ही चाहे कितना भी बड़ा नेता मानते हो, पर ज्यादातर आवाम, ज्यादातर जनता उसे पप्पू ही मानती है। जमीनी हकीकत यही है कि कांग्रेस घूसखोरी, कांग्रेस करप्शन, कांग्रेस क्राइम में इतना ज़्यादा बदनाम हो चुकी है कि दोबारा से जल्दी में तो आसपास में तो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। 2024 और 2029 में तो कोई चांस है ही नहीं, 2034 में क्या होगा ये तो समय बताएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।